नहीं है, अरिजा नहीं है। किसी किसने कहा? वो अल्ताफ साहब को पता होगा। ये मामला होते हैं, बाकी ये आप बेफिक्र रहिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे कुछ मसले हैं पार्टी के अंदर से। कल से ये रूमर्स फैल रहा है कि 200 और 300 पार्टी वर्कर्स रिजाइन करने हैं, इसमें कोई दम नहीं है। भैया मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी जेएनके का, तो पार्टी के प्रोग्राम है हमारे। कल आपने नहीं देखा पूरे कश्मीर में मन की बात हमने देखी नरेंद्र मोदी जी की, सारे कार्यकर्ता। आज मीटिंग है भैया, मीटिंग रोज होती है, तो इसमें आप मीडिया वाले बनाया, कोई नहीं कर रहा है पार्टी के। देखिए अंदरूनी मामला होते हैं, बाकी ये आप बेफिक्र रहिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी को चलाना जानते हैं। मीटिंग है पार्टी की एक्टिविटीज, उनको गति देने के लिए, और पार्टी की जो हमारी आज वोटर चेतना अभियान चल रही है उसकी, और जो कल से ये रूमर्स फैल रहा है कि 200 और 300 पार्टी वर्कर्स रिजाइन करने हैं, इसमें कोई दम नहीं है। पार्टी के सिपाही है हम, पार्टी की बहबूदी और पार्टी की स्ट्रेंथ के लिए काम करें। हाँ, वो एलिमेंट जिनसे पार्टी की इमेज खत्म हो रही है, पार्टी को खतरा हो रहा, उनके खिलाफ हम हैं। लेकिन पार्टी के साथ हम तब से जुड़े हैं जब पार्टी यहां नहीं थी। आज पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी है, फल फूल रही है पार्टी, और मैं यहां तक कहूंगा मैं कैसरी और मेरा लहू भी कैसरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और आखिरी सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के। बीजेपी के खिलाफ नहीं है कोई भी मीटिंग, और हमारे कुछ मसले हैं पार्टी के अंदर से, जिनको हम पिछली बार रविंदर रैना जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आश्वासन दिया वो ठीक हो जाएंगे 25 तारीख तक। तो अभी वो मसले कुछ हल हो गए, कुछ अभी नहीं हुए, उसी बारे में आज फिर मीटिंग हमने बुलाई है। तो सारे वर्करों की जो इच्छा थी कि एक बार फिर मीटिंग बुलाए, हमारे जो मसले हैं, हमारे जो यहाँ पर जो हमारे दिलीनी मांग है पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए ये मीटिंग है। पार्टी को अच्छे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जो पार्टी को तबाह करना चाहते हैं उनको पार्टी से निकाला जाए, यही हमारी मांग है। इंशाल्लाह हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द आपको जब मीटिंग खत्म होगी आपको प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। कहा जा रहा है 200 से 300 बीजेपी? नहीं, इस्तीफा हमने, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने 35 लोगों की शहादत दी है, जिसमें हम सभी लोगों ने 18 से 20 लोग जो हमने अपने कांधों पर उठाए, जिनकी लाशें हमने कांधों पर उठाई है, हमने इस पार्टी को खून से सींचा है, खून से बनाया है, उस हालात में बनाया है जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कोई झंडा उठाने के लिए हमने 20 साल आदू ने काम किया, आदू ने 10 साल 15 साल भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन दिया है। इस पार्टी को हम खराब करने किसी को नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, किसी को हम भारतीय जनता पार्टी को खराब होने नहीं देंगे। किसी को जो यहाँ पर गलत लोग आए हैं उनको हम पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सरपंच साहब आज किस बारे में मीटिंग है? यहाँ आज मीटिंग है वो पता होगा अल्ताफ साहब को, आज अल्ताफ साहब को पता होगा, मुझे पता नहीं। आप किस बार लिया पार्टी बढ़ाने के लिए और क्या? अच्छा, कहा जाए रिजाइन किया जाए? नहीं यार, रिजाइन नहीं है। किसने कहा? वो अल्ताफ साहब को पता होगा। अच्छा, पता नहीं? नहीं जनाब, हम मीटिंग में हैं।